यो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कैसे मच के और न्यू बीजे में वीडियो के साथ वापस। और आप सभी को पता है कि ड्रैगन मोड आ चुका है और इस वाले विलेज में यहाँ पे भाई बंदे भर भर कर आ रहे हैं। मतलब बाई वन गेट वन फ्री वाला ऑफर है। अगर यहाँ पे भाई तो मर भी जाते हैं तो तुरंत बाद रिकॉल होकर आ जाएंगे, जिसकी वजह से भाई बंदे यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और हम इस गेम को पहली बार खेल रहे हैं, मतलब गेम को तो नहीं, इस मोड को पहली बार खेल रहे, तो कुछ गलती हो तो भाई उसको इग्नोर करना। और उतरते एक बंदे को यहाँ पे गन मिल चुका, तो जीरो हमने मार कर भाई यहाँ पे इसे गन छीन लिया। लेकिन रोहित ने मेरे छीन लिया भाई गन दे। ये क्या भाई, ऐसे ठकेल वकेल के कौन जाता भाई गन दे मुझे। यहाँ पे एक करेट पड़ा है तो इसको ओपन करते और देखते कि आखिरकार इस कैरेट के अंदर कुछ है कि नहीं। भाई कुछ मिल ही नहीं रहा, सभी बंदे अपने में कट मर जाएंगे क्या। तो यहाँ पे रोहित से मैंने गन ले लिया और सामने वाले घर के अंदर एक बंदा है, तो रोहित उसमें नहीं डाल प्यार से। और ये बूम नहीं फटा, कोई बात नहीं रोहित, दूसरा नहीं डाल और एकदम टीका का डलियो, ठीक है। इधर उधर नहीं, एकदम सटीक जाना चाहिए। और ये लो इस नेट से तो ये पक्का फटेगा ही फटेगा, और ये बंदा फट चुका है। तो चलते हैं सामने वाले घर में रश करते हैं। और यहाँ पे मुझे ये उड़ने वाला पॉड मिल चुका है। अबे बाहर कहाँ जा रहा हो, अबे लूटेंगे कैसे यहाँ पे। एक तो ऐसे दहशत मची है, दंगे चल रहे हैं इधर की तरफ, और ये बंदा बाहर जा रहा है। इसको मार कर तो लूटना भी है ना भाई अपने को। तो चलो ठीक है, इसको फिनिश करते हैं और अपन प्यार से लूटते हैं। भाई उड़ने वाला तो मिल ही चुका है और मैं इधर की तरफ आता हूँ तभी। ये लो बंदों ने भाई अपने को नॉक कर दिया। और यहाँ पे रोहित से मैं ले रहा हूँ रिवाइव, लेकिन यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं खत्म। बट कोई टेंशन की बात नहीं है, अपन ऑटो रिकॉल होकर आएंगे और अपने लिए अलग से एक प्लेन आएगा और भेजेगा। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जहाँ से मेन गेम प्ले अपना स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे दो नंबर था, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आते ही अपने को सबसे पहले मिलता है भाई M4, बहुत सही। तो लूटते हैं और लूटते लूटते यहाँ पे एक बोट आता था भाई, पहले किल का वो नहीं करते अपन, क्योंकि भाई किल हुआ ही नहीं था। और एक और लो, फिर से मुझे वो उड़ने वाला मिल चुका है। और जल्दी से लूट वगैरह करके भाई चलते हैं यहाँ पे बंदे को मारने। और तभी पीछे की तरफ से साउंड आता है। ओके, तो ये मैंने मोड एक्टिव किया और भाई मैं बहुत तेज इसके वजह से दौड़ के बंदों के पास जा सकता हूँ, जो कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और रोहित भी यहाँ पे नॉक हो चुका है। और भाई बंदा किधर है, रुक जाओ। ओके ओके, थोड़ा बहुत तो उसको डैमेज दिया, बट भाई वो पेड़ के कमरे में है और एक बंदा मेरे हिसाब से शायद पीछे भी है, रुक जाओ। ओके ओके, तो पता नहीं भाई ये किधर की तरफ चला गया अचानक से उड़ उड़ कर। मुझे ऐसा लगता है कभी मुझे शायद से रोहित को यहाँ पे रिवाइव दे देना चाहिए, तो अपन रोहित को रिवाइव करते हैं सबसे पहले। ओके ठीक है, बस कोई गोली वोली ना चला दे अपने ऊपर। और ये देखो यहाँ पे रोहित को मैंने रिवाइव दे दिया है, और तभी मुझे वो बंदा सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये लो भाई, इसको मैंने मार दिया, कितना खतरनाक था। ये मेरे HP देखो कितना कर दिया इसने, नहीं मतलब इतने HP करते ही क्यों है जब उनको मरना होता है। तो कोई ना, हीलिंग करते और इसको लूटते, और तभी मेरा ध्यान जाता है दो नंबर पे। ये तो मर गए, लेकिन भाई ये अभी हमारे साथ घूम सकता है, मतलब इसको ऐसा महसूस नहीं होगा हम इस मैच में नहीं है। ये इस मैच का फुल मजा उठा रहा है, मतलब इस अपडेट के बारे में मुझे पता ही नहीं था क्या ये, पता नहीं भाई अभी ये क्या क्या कर सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। बाकी ठीक है, जल्दी से यहाँ से लूटते हैं और देखते हैं कि बंदे आते हैं कि नहीं। और तभी हमें सामने से कूड़न खटोला का आवाज आता है और सामने वाले घर में बंदे आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत फायर किया, बट भाई वो बंदा नहीं मरा, ऊपर की तरफ जा चुका। तो जितना भी मिट्टी का तेल का बोतल, असलाहे, बारूद, स्मोक वस्मोक सब फेंक देंगे इसके अंदर। स्मोक नहीं फेंकना अपने को, लेकिन मैंने स्मोक खींच लिया तो फेंक देता हूँ, पता नहीं क्यों ही खींचा मैंने। और ये रहा एक नेट, तो नेट भी फेंक देते हैं। और तभी यहाँ पे रोहित नॉक हो जाता है। भाई इतने नेट मॉली किए मैंने, बट भाई बंदा उसके थ्रू नॉक हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से रोहित को रिवाइव करते हैं, पर देख लेते हैं कि इधर की साइड से कोई आ तो नहीं रहा है ना, क्योंकि भाई सिचुएशन कभी कभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है इस वाले अपडेट में। तो मैंने रोहित को रिवाइव दे दिया और अपने पास उड़ने वाला है, तो अब इसका पावर यूज करेंगे, आई मीन काला जादू का पावर। तो देखते हैं भाई इसे उड़ेंगे कि नहीं। सबसे पहले ये जो पोर्टल है ये अपने को पीना पड़ेगा। और रोहित फिर से नॉक हो गया भाई। ये लो मैं उड़ गया और दो नंबर ने तो ड्रा ही दिया था भाई कसम से अपने को। और ये रहा बंदा, ये रहा भाई पावर का, तो इस पावर का यूज करके भाई मैंने एक बंदे को यहाँ पे नॉक कर दिया। तो नीचे उतरना पड़ेगा अपने को शायद से हीलिंग करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हीलिंग करते इस पोटली को भाई खाकर। और फिर से मैं उड़ चुका हूँ और उड़कर यहाँ पे आ गया हूँ। और भाई बंदा किधर, मुझे बंदा नहीं दिख, ये बैठे हैं भाई सब। ये लोग खत्म हो गए,
मतलब पावर का फुल यूज किया जा रहा है यहाँ पे। बहुत सही भाई, ये अपडेट है, मतलब इसको खेलने के बाद इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना। रोहित थोड़ा पेशेंस से खेल भाई, क्योंकि इसमें मतलब जो अपडेट का यूज करके अपन खेलेंगे तो भाई काफी ज्यादा बंदे को मार देंगे। और हम निकल जाते हैं मिलिट्री के ब्रिज की तरफ, क्योंकि ड्रैगन को भाई कुछ बंदों ने मिलिट्री बेस में बुलाया था, तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि क्यों ना ये जो ब्रिज है इसको अपन कैंप कर ले, और इसका यूज करके भाई मैं हवा में उड़ चुका हूँ और ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ क्या। और तभी मुझे सामने से बंदों को फायर आता और रोहित हो चुका है यहाँ पे नौ। ओके ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ उड़कर, और किसी बंदे ने तो मुझे स्पॉट कर लिया। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने से आने दो इसको बस। और ये लो, इसी के साथ मैंने इस बंदे को नॉक एंड फिनिश डाल दिया। और तभी दो नंबर का कॉल आता है, भाई मेरे तरफ आ जाओ, वो मतलब ड्रैगन को बुला रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हिल वगैरह करता हूँ और निकल जाता हूँ भाई दो नंबर की तरफ, क्योंकि हमें ये भी देखने भाई इस अपडेट में आखिरकार ड्रैगन आता कैसे। अपने पास वो जो सात बॉल है भाई ऑरेंज कलर का, वो पूरा हो चुका है, और अपना जो दो नंबर है, दो नंबर नहीं सॉरी एक नंबर, वो ड्रैगन को बुला रहा है। और ये लो मैंने यहाँ पे जंप कर दिया, बस नॉक ना हूँ ये बात, थोड़ा बहुत हेल्थ कम हुआ है लेकिन ठीक है। ये भाई ड्रैगन को कॉल करने गया अपने एक नंबर, तो देखते हैं कैसा होता है। और ये भाई यहाँ का पूरा माहौल ही चेंज हो गया, ये देखो इसमें से कुछ तो निकला है। और भाई साहब ये ड्रैगन आ गया इसके अंदर से, और इससे हम लोग विश मांग सकते हैं, मतलब विश में क्या रॉयल पास दे देगा क्या अपने को ये, मतलब मैंने सुना है कि जो इससे विश मांगो ये दे देता है, तो क्यों ना मैं इससे 100 RP वाला रॉयल पास मांग लूँ तो देगा क्या, चलते हैं एक बार ये अपन ट्राई करते हैं। लेकिन ये सब तो मजाक की बात है भाई, इसमें दो तीन मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ आते हैं। तो लास्ट जो है मैं ये फास्टर हीलिंग वाला जो है ना ये लूँगा, गेट सप्लाई से अपने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फास्टर हीलिंग वाला मस्त है, जिसके थ्रू हम लोग बंदों को मारेंगे, जो मतलब पावर वगैरह है ना वो अपना बहुत ज़्यादा अभी के टाइम बढ़ चुका है। तो ब्रिज की तरफ से फायरिंग आया था, तो चलते हैं जल्दी से उड़ कर ब्रिज की तरफ, क्योंकि अपने पास भाई ये जो उड़ने वाला है ना इसके थ्रू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं एक बार ये स्पाइडर मैन करते हैं और उड़ते हुए चलते हैं ब्रिज की तरफ। ये देखो भाई मैंने लगा दिया खतरनाक सा उड़ान और आ चुका हूँ इधर की तरफ। तो एक और उड़ान लगाते हैं, लेकिन उड़ान नहीं लगाना, थोड़ा बहुत प्यार से आगे जाते हैं। और ये मैंने मारा फुल स्पीड और आ चुका हूँ, और तभी मुझे दिखाई देता है जहाँ पे एक बंदा। और भाई इस बंदे को दूर दूर तक कोई खबर नहीं था कि मैं पीछे से उड़कर आ चुका हूँ भाई साहब, मतलब इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना भाई बंदों को मार कर इस पॉड का यूज करके। आप लोग कौन आता नहीं भाई इस मोड का यूज करके आपको कितने ज्यादा मजा आ रहा है। मैं तो बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, लेकिन भाई मैंने ये भी सुना है कि इस वाले मोड में बहुत ज्यादा हैकर भी आ रहे हैं, और पीछे साइड जो बंदा था उसको अपना एक नंबर ने मार दिया है। कोई छुपा नहीं है ना भाई ब्रिज में, पता चले मैं ओपन से जा रहा हूँ और मुझे मार दे तो ऐसा चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा बहुत स्मोक और लूट करके निकलते हैं गाइस जोन की तरफ, क्योंकि बंदे अभी बहुत कम बचे हैं और अपने को किल चाहिए। लेकिन भाई इस वाले मोड में चिकन डिनर भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि भाई आप लोग ये मोड वगैरह में भाई इतने ज़्यादा पावर्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं ना भाई, हर एक बंदे के पास ये हो जा रहा है। और ये रोहित और ये दो नंबर को मैं लेकर जा सकता हूँ नहीं भाई साहब, छोटे छोटे पैर से दौड़ते दौड़ते आएंगे ना फिर भी अपने पास नहीं पहुँच पाएंगे, पता नहीं उसका यूज मुझे उतने अच्छे से पता नहीं। बाकी जो ये पहाड़ वगैरह का मतलब पता है मुझे थोड़ा बहुत, उसका तो मैंने यूज किया। और तभी ऊपर पहाड़ी मुझे एक बग्घी और एक बंदा यहाँ पे लेटा हुए दिख जाता है, और जी लो इसके ऊपर मैंने चढ़ा दिया। और इसका जो भाई एक टीममेट होगा मेरे हिसाब से वो भी कहीं आसपास नागिन बना होगा, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है भाई अभी क्या सीन चल रहा है इधर ही जंगल की तरफ, इसीलिए लोग अभी भी कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और अपना एक नंबर बिल्कुल पागल ही हो जा रहा भाई, बंदे को मार दिया मैंने, टेंशन ना ले तू। और तभी सामने से आता फायरिंग। ओके ठीक है, तो देखते हैं किधर तरफ बंदे, ये देखो भाई कितने सारे बंदे घूम रहे हैं। और एक सेकंड ये दोनों कहाँ से आ गए भाई अपने तरफ छोटे छोटे पैर लेकर, पता नहीं भाई टेलीपोर्ट हो गया फिर क्या मुझे कुछ नहीं पता। और ये लो भाई अपना एक नंबर भी यहाँ पे मारा जा चुका है, तो मैंने भाई अपना पावर एक्टिव कर लिया है। और सामने गए जो बंदे हैं ना, चलते हैं सबसे पहले उन पे रस करते हैं और उनको मारेंगे, और उसके बाद से देखेंगे क्या होता है। लेकिन भाई अभी सीन कुछ और ही होने वाला है अपने साथ, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा होगा। और ये जो आप लोग पोर्टल ही देख रहे हो ना, इस वाले मोड में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इकट्ठे करके रखना है, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग पावर का यूज कर सकते हैं
और तभी मुझे सामने बहुत सारा स्मोक दिखाई देता है और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इस पावर का यूज। और ये मैंने चला दिया, लेकिन भाई बंदों को तो थोड़ा बहुत डैमेज मिला, लेकिन वो लोग कवर में चले गए और अपना पावर खत्म हो गया। तो मैं नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे सामने करते अपन सबसे पहले बहुत सारा नेड। और दो नंबर हट जा भाई, मेरा वो लोकेशन मत दे उन लोगों को, क्योंकि भाई उनको ऐसे ही पता चल जाएगा। और तभी भाई एक बंदा हवा में उड़कर इस पावर का यूज करके, भाई नहीं भाई इसने अपने को मार दिया। देख लो यही सब पावर है इस वाले मोड में, तो आप लोग खेल सकते हो। तो चलो गाइस आज की इस वाले गेम प्ले वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वाला 20 मिनट का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, और जो भी अंदर चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करना। और क्यों बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Peace.